आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। तो चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया है और इसमें अब तक दर्जनों लोगों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक टाइप के युवाओं को प्रशासन की भाषा समझ में नहीं आ रही है और आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर पुलिस ने त्वरित और सख्त निर्णय ले रही है। हाल ही में एक मामला हथुआ थाना क्षेत्र के सुहागपुर से आया, जहां नीतीश कुमार नाम का यह युवक दो बंदूक हाथ में लेकर सोशल मीडिया पर लहराते हुए तस्वीर शेयर कर दिया और जैसे इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो तुरंत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके लाइसेंसी बंदूक को भी निरस्त करने की कार्रवाई में जुट गई है। लगातार गोपालगंज पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि कहीं भी सोशल मीडिया पर किसी तरह के हथियार को लहराने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें आना हमें शर्मसार करती है और कानून का कितना खौफ समाज के ऊपर है इसकी भी स्थिति बयां कर रही है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर छपरा रोड पर दुल्हे की गाड़ी में एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में दुल्हे की गाड़ी पर सवार उसकी भांजी सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव के भगवान महतो की 14 वर्षीय पुत्री पूर्णिमा कुमारी की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि मोहम्मदपुर के हकाम से गोविंदा कुमार की बारात जादोपुर जा रही थी कि रास्ते में छपरा मोहम्मदपुर पथ पर यह घटना घटित हुई। थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, वहीं ट्रक को भी पकड़ लिया गया है। गोपालगंज जिले की बेटी साक्षी उपाध्याय को मुंबई के एक कार्यक्रम के दौरान दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसकी जानकारी जैसे साक्षी के जानने वालों को हुई तो सभी लोगों ने साक्षी को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रेस को इसकी जानकारी देते हुए साक्षी के पिता संजय उपाध्याय ने बताया कि साक्षी अब तक एक दर्जन से ज्यादा सीरियल में काम कर चुकी है, जिसको लेकर इसी महीने सशक्त नारी गौरव सम्मान और बाबा साहेब फाल्के आइकन सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी माता संध्या उपाध्याय एक प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री हैं और ये लोग मूल रूप से ग्राम भीखमपुर पंचायत लरौली प्रखंड बरौली के निवासी हैं और गोपालगंज में भी इनका अपना मकान है। साक्षी अब तक जिन मुख्य धारावाहिक में काम कर चुकी है उसमें कुमकुम भाग्य, कुंडली, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, रामायण, महाभारत आदि शामिल हैं। अभी पिछली बार दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला कार्यक्रम में साक्षी ने मनोज तिवारी सहित कई नामचीन कलाकारों के साथ माता सीता का रोल करके खूब वाहवाही बटोरी थी। साक्षी की आने वाली कई धारावाहिक दर्शकों को जल्द ही देखने को मिलेगी, जिनकी शूटिंग में भी व्यस्त हैं। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सभी थानों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में लाइसेंसी शस्त्र का सत्यापन किया जा रहा है। इस दौरान अपने अपने थाना क्षेत्र लाइसेंसी शस्त्र धारक को अपना हथियार लेकर थाने में सत्यापन कराना आवश्यक है। जैसे ही ये निर्देश जारी हुआ कि सभी थानों पर लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोग अपनी बंदूक, पिस्टल इत्यादि को लेकर सत्यापन के लिए पहुँच रहे हैं। विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने ये निर्देश जारी किया है। शनिवार को जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सभी स्थानों पर जनता दरबार लगाकर भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। ऐसे में जो मामला थाना अथवा अंचल कार्यालय के संज्ञान में आते हैं उनको निपटाने के लिए जनता दरबार में बुलाया जाता है और दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है। इसी को लेकर कई थानों में नोटिस जारी किया गया और इसका तामिला स्थानीय चौकीदार से करवाया गया। बारिश होते ही थावे प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाली कई सड़कों पर जल जमा होने से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी हो रही है। बताया जाता है कि थावे ओवरब्रिज के दोनों तरफ बाजार में जाने वाली सड़कों पर जल जमा होने से आने जाने वाले राहगीरों की काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाली छोटे छोटे बच्चों की है। थावे बाजार से स्टेशन चौक जाने वाले मुख्य मार्ग गड्ढे में तब्दील होने से बारिश होने से जल जमाव शुरू हो जाता है, जबकि थावे हनुमान चौक से विदेशी टोला गांव होकर दुर्गा मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग गड्ढे में तब्दील हो जाने से इस मार्ग से दूर दराज से आ रहे श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूजा अर्चना करने जा रहे कई श्रद्धालु गिरकर घायल हो चुके हैं। इधर थावे बस स्टैंड के पास से रिखई टोला, चित्तू टोला, गवंदरी, धतिंगना होकर सिवान जिले के लकड़ी दरगाह जाने वाले
मुख्य सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाने से आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क से लोगों का आवागमन काफी होता है। हल्का बारिश होने पर भी सड़क पर जल जमाव शुरू हो जाता है। सड़क की बदहाल स्थिति से लगभग एक दर्जन गांव प्रभावित हैं। गोपालगंज जिले के बाढ़ की तैयारियों को देखने के लिए जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार के संजय झा पहुंचे गोपालगंज, जहां जिला पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी द्वारा जिला अतिथि गृह में मंत्री जल संसाधन बिहार एवं अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग पटना चैतन्य प्रसाद को पुष्प देकर स्वागत किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा मंत्री को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। मंत्री द्वारा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन, जिला पदाधिकारी एवं सारण तटबंध से संबंधित जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारियों के साथ संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। मंत्री द्वारा अहरौली दान से लेकर पतहरा छरकी आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में मंत्री द्वारा सभी पदाधिकारियों के साथ डुमरिया घाट एवं वहां के तटबंध को भी देखा गया। ज्ञात हो कि पतहरा छरकी तटबंध पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। संभावित बाढ़ के खतरों को देखते हुए 16,000 इसी बैग फिल करा करके इकट्ठा कर दिया गया है। साथ ही लगातार पेट्रोलिंग भी विभाग द्वारा कराई जा रही है। हालांकि वाल्मीकि नगर बैराज से अभी कम मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी कम है। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहाँ कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच, अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस DAV हाई स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का ह्यूज हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एडुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहां 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन ओपन फॉर 2023-24 सेशन। JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। पंचतेरी प्रखंड के ई किसान भवन पर DO के लिए समीक्षात्मक बैठक कर कई निर्देश दिए। पंचतेरी, कटिया, विजयपुर एवं भोरे इन चार प्रखंडों के खरीफ योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी भूपेंद्र मणि त्रिपाठी ने 3 दिनों के अंदर लक्ष्य को पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। DO ने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पंचदेवरी सहित चारों प्रखंडों के विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मियों को कृषि संबंधित सभी कार्य योजनाओं को सही ढंग से करने का सख्त निर्देश दिया। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी रमन कुमार श्रीवास्तव, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक धर्मपाल ओझा, धनंजय कुमार मणि, मनीष मणि, प्रेमचंद यादव, रितेश यादव, अखिलेश कुमार गुप्ता आदि थे। सिदौलिया प्रखंड के विभिन्न ईदगाहों में शांति और सौहार्द के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई तथा एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। प्रखंड के बरहिमा, झजमा, बिशुनपुरा बाजार सहित दर्जनों ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 7 बजे अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी गई। वहीं सिदौलिया बाजार की जामा मस्जिद में बृहस्पतिवार की सुबह नमाज अदा कर सैकड़ों नमाजियों ने मुल्क और मिल्लत में अमन चैन तथा खुशहाली की दुआ की गई। सिद्धवलिया प्रखंड के सिद्धवलिया और मोहम्मदपुर थाने के थाना अध्यक्ष तथा हरिराम कुमार और नेहा कुमारी, अंचल पदाधिकारी अभिषेक कुमार सहित कई दंडाधिकारियों ने पुलिस बल के साथ गश्ती करते दिखे। तदुपरांत नमाजियों ने बकरीद पर्व के अवसर पर एक दूसरे के यहां सिरनी आनंद लिया।
मौके पर रिजवान उर्फ राजू साहब, अली अकबर, इस्माइल अंसारी, मोहम्मद समीउद्दीन, अकबर अंसारी, जुल्फिकार अली सहित सैकड़ों नमाजी शामिल थे। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कदरस घाट गांव में गुरुवार को जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में चल रहा है। वहीं गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने दो महिला सहित छह व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। आपको बताते चले कि करस घाट गांव में आपस में भिड़े दो पक्ष लाठी डंडा फरसा से एक दूसरे पर हमला कर दिए। हमले में दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनमें एक पक्ष के लाल बाबू राय, राजकिशोर राय, राजमंगल राय, धर्मेंद्र राय, दीपक राय, राम बाबू राय, अमरेंद्र राय व हरेंद्र राय, निशा कुमारी, सुशीला देवी, सुनीता देवी, मनाची देवी, फुलमती कुंवर, मुक्ति देवी, जबकि दूसरे पक्ष से देवेंद्र राय, सुनील राय, रमेश राय, ललिता देवी, लालमती देवी, बजरंग कुमार और सोनी कुमारी घायल हैं। दोनों पक्षों में हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए धर्मेंद्र कुमार और राजकिशोर राय, देवेंद्र राय, सुनील राय, लालमती देवी और ललिता देवी को रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने फर्द बयान दर्ज की। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।